हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं अपने मैकेनिक्स में सी जी ऑफ सम इम्पोर्टेंट लेमिना। मतलब कुछ आपके लेमिना दिए होंगे, प्लेन फिगर्स दिए होंगे, उनके सी जी आपको कैसे निकालने हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रेक्टेंगल के बारे में। तो यहाँ पर हम सी जी की भी बात करेंगे और उसके एरिया की भी बात कर लेंगे हाथों हाथ। तो रेक्टेंगल आपको जानते ही हैं आप, रेक्टेंगल कैसा होता है, हिंदी में से आयत कहते हैं। तो ये रेक्टेंगल है आपके सामने। तो देखिए, इसमें कुछ ना कुछ इसकी साइड्स वगैरह दी रखे होंगी। सपोज दैट यहाँ पर ये उसने दे रखा है बी, और यहाँ ये दे रखा है डी। तो इसका सी जी कहीं ना कहीं, अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन इसका इस तरीके से काटेंगे डायगोनली, तो जहां पर ये मिलेगा यही इसका क्या हो जाएगा, सी जी का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सी जी होगा। तो यहां से इसकी सी जी की जो आप बात करें, तो ये देखिए, ये वाली जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग बाई बार कहेंगे, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसे हम लोग एक्स बार कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो सी जी होता है, तो बाई बार यानी वाली जो डिस्टेंस है ऊपर वाली, तो कितनी हो जाएगी यहां पर, बाई बार की वैल्यू क्या है, बाई बार की वैल्यू यहां पर है एक्स बाई डी बाई टू। ठीक है, आपका डी है ना, तो डी बाई टू, और एक्स बार की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं बी बाई टू। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बी बाई टू, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है डी बाई टू। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ साफ। एरिया इसका आपको पता ही है कितना होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो बी इंटू डी कर देंगे हम लोग। क्लियर है बात, तो इतना टफ नहीं था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा हम देख लेते हैं ट्रायंगल का। देखिए ट्रायंगल, आप देखिए ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, आइसोसेलस हो सकता है या आपका इक्विलेटरल हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल नब्बे अंश वाला बना ले रहे हैं, रेक्टेंगल ट्रायंगल बना ले रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपकी ये साइड्स दे रखी हैं, समथिंग ये बी दे रखा है और ये एच दे रखा है। ठीक है, आई थिंक दिखाई दे रहा है आपको। तो इसका जो सी जी होगा ना, इसका सी जी जो हमें मिलता है वो हमें कहीं यहाँ मिलता है। अब देखिए इसके प्रूफ भी हम लोग देखेंगे कैसे निकालने हैं प्रूफ इसके। इसका सी जी का पॉइंट यहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मेरे भाई, ये आपकी एक्स बार कहलाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मेरे भाई, ये आपकी बाई बार कहलाएगी। देख पा रहे हैं आप लोग, तो इसका जो सी जी का कोऑर्डिनेट निकलता है यहाँ से एक्स बार का, तो एक्स बार की वैल्यू यहाँ पर होती है बी बाई थ्री, और बाई बार की वैल्यू जो होती है वो एच बाई थ्री। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, बाई बार वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर जगह, इसलिए मैंने ऊपर बाई बार वाला पहले लिख दिया था। अब इसका एरिया आप निकालेंगे तो आपको पता ही है एरिया क्या होता है, एक बटे दो आधार गुणा सीधी लंब, यानी हाफ ब्रिथ इंटू हाइट। क्यों भाई, क्लियर है सारी बात। चलिए ट्रायंगल का भी आपने देख लिया, अब देखते हैं हम लोग सर्किल का। तो देखिए सर्किल का भी बहुत ही सिंपल है, आपको पता है इसके बारे में। मैं केवल यहाँ पर सर्किल का बताने का मेरा उद्देश्य केवल एक और एक केवल यही है कि आपको एरिया वगैरह सबके पता चल जाए। तो ये आपका सर्किल हो गया, तो सर्किल का कुछ ना कुछ आपको रेडियस या डायमीटर दे रखा होगा। तो इसका एरिया मतलब इसका सी जी बहुत ही सिंपल है निकालना। तो यहाँ इसका ये सी जी का पॉइंट हो जाएगा इधर,
देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी एक्स बार कहलाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये आपकी वाई बार कहलाएगी। तो यहाँ से एक्स बार की वैल्यू भी, एक्स बार की वैल्यू भी आपकी डी वाई टू ही होगी, और वाई बार की वैल्यू भी आपकी डी वाई टू ही होगी। ठीक है, एरिया आपको पता ही है पाई बाई फोर डी स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये याद कर लीजिए पाई बाई फोर डी स्क्वायर, आपने पाई आर स्क्वायर याद किया होगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए सर्कल का हो गया, अब हमें देख लेना है सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल का डायग्राम भी आपको पता ही है। तो इसका सीजी कहीं यहाँ होगा। अब देखिए इनके सीजी के प्रूफ भी हमारे कोर्स में है, तो हम वो भी देखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। तो देखिए यहाँ से फिर वही वाली बात कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपकी बाई बार है, और ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से एक मैंने लाइन खींच दी बिल्कुल लाइट से, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी एक्स बार है। आई थिंक क्लियर हो रही है आपको बात। तो देखिए इसमें बाई बार का फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बाई बार पहले लिख दे रहा हूँ। ये आपका होता है 4r/3π। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिए इसे 4r/3π। क्यों भाई? और जो इसका एक्स बार होगा वो तो सीधा इसका रेडियस ही हो जाएगा, या डी बाई टू कह सकते हैं हम लोग। दिखाई दे रहा आप लोगों को? एरिया आप निकालेंगे तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, अब इसी का हाफ कर दीजिए आप लोग, यानी पाई आर स्क्वायर बाई टू, या पाई बाई 8d² एक ही बात है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इसमें। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट है हमारा, समथिंग हमारा एक क्वाड्रेटरल पार्ट है कोई, कोई क्वार्टर सर्किल है। इसके लिए अगर हमें बनाना है क्वार्टर सर्किल, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब चतुर्थांश भाग जो है सर्किल का, उसके लिए अगर हमें सीजी चाहिए तो इसका सीजी कहीं यहाँ होगा। तो इस सीजी के लिए, आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स बार कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वाई बार कहलाएगा। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें मैं इस तरफ हम जो लिख रहे थे वो इसके एक्स बार वाई बार के फार्मूले लिख रहे थे। तो देखिए यहाँ पर वही एक्स बार और वाई बार के फार्मूले होंगे जो हमने पीछे देखे थे। तो यहाँ पर वाई बार और एक्स बार दोनों ही बराबर होंगे, वो जो कि आपके होंगे 4r/3π। क्लियर हो रही बात आपको? आपको ये फार्मूला याद रखना है 4r/3π, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से। अब इसका आप लोग एरिया देखेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया अब इसका 1/4 हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए वो नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। आपको ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रेपेजियम। इसे हम लोग हिंदी में समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर है बात? तो देखिए आपका समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसमें दो समांतर रेखाएं होती हैं और दो तिर्यक रेखाएं होती हैं, देख पा रहे हैं आप लोग? तो यहां से यहां तक इसकी वृत्त समझ लीजिए बी दे रखी है, और यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर वाली ए दे रखी है, और इसकी हाइट समथिंग एच दे रखी है। ठीक है, तो अभी हम ये मान के चल ले रहे हैं
ये जो हमारा डायग्राम है वो बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ इसका कहीं सी जी होगा, क्लियर है बात आपको? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये इसका एक्स बार कहलाएगा, और ये जो डिस्टेंस है इसका ये वाई बार कहलाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाई बार वाला, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं ये वाई एक्सिस का सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब देखिए इसका जो फार्मूला होगा, वाई बार का फार्मूला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2a+b अपॉन a+b इंटू h/3। आप इसे बहुत ध्यान से देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। देख पा रहे हैं आप लोग, दिखाई दे रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। और इसका जो एक्स बार है वो आपको दिखाई दे रहा है, b/2 हो जाएगा, क्लियर है बात आपको। इसका जो एरिया होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, a+b/2 इंटू एच, क्लियर हो रही सब लोगों आपको बात। इसका एरिया भी आप याद रख लीजिए, a+b/2 इंटू एच, क्लियर है शायद आपको। तो आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई है, जो हम यहाँ पर प्लेन फिगर्स जो होता है इनके लिए जो हम सी जी निकालते हैं, यानी प्लेन फिगर्स के लिए हमने देखा था सेंट्रॉयड ही निकालते हैं, तो उसी सेंट्रॉयड को हम लोग जनरल भाषा में सी जी बोल देते हैं। बात समझ में आ पा रही है? तो आपको जो लेमिना है, आपको पेपर में लेमिना करके दे देगा, तो लेमिना जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, कोई ना कोई एक फिगर जरूर आएगा। तो सपोज दैट आपको उसने कह दिया ये वे ट्रेपेजियम आपने को दे दिया उसने, और इसमें से कुछ सर्कल बीच में से काट दिया। अब उसने कह दिया कि ये वाला हिस्सा जो है ये गायब है नीचे से, और सारी आपको वैल्यूज दे दी, और उसने आपसे कह दिया कि इसका सी जी निकालो, ठीक है। तो इसे देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो, जो सेकंड नेक्स्ट वीडियो जो मेरा बनेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है, सारी चीज़ें आपको समझ में आनी है, ठीक। तो इसमें ये एरिया हमारा गायब हो चुका है, क्लियर है सब आपको बात। तो इसका सी जी कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो फार्मूला इसमें जो है, तो इसे हम सपोज रेट पहला, इसे दूसरा मान लेंगे, तो इसमें जो एरिया कट हो जाता है ना तो उसे माइनस कर देते हैं। जैसे अब मैं आपसे कह दूं कि एक्स बार निकालना है, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि a1 x1, अब इसमें से माइनस हो रहा है ना, तो -a2 x2 अपॉन a1 - a2। इस तरीके से बाई बार निकालेंगे तो a1 by 1 -a2 by 2 अपॉन a1 - a2। क्या होता है इसमें जो एरिया माइनस हो जाता है उसे माइनस के साथ लेके आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ छोटी सी बात थी, और आगे हम देखेंगे इसके किस तरीके से सवाल होते हैं, और आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल और आएंगे, टी सेक्शन, आई सेक्शन, सी सेक्शन, इन सबके सी जी पूछे जाते हैं पेपर में प्लेन फिगर्स के, कि इसका सेक्शन का क्या होगा, ठीक है। आप चाहे सिविल के छात्र हों चाहे आप मैकेनिकल के छात्र हों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आपको बात समझ में आ गई है कि सेंट्रॉयड को ही सी जी हम यहाँ पर कह दे रहे हैं, क्लियर है बात। तो आपको शायद वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो आप इसका जो है सॉलिड वाला वो वाला ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं सारी बातें बताऊंगा आपको। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।